25 से 30 बार वीडियो, 40 बार वीडियो अभी तक देख चुका हूँ ये 15 दिन में। अच्छा, एक ही वीडियो 40 बार, एक ही बार वीडियो बार बार रिपीट कर दो उसको। और मेरे पापा को भी बताया, जैसे मैंने उनके, हमारे घर में मेन हेड पापा है, अब उनके सामने प्रोजेक्ट रखना था तो उनके सामने रखा, उनको भी जमी ये बात। अच्छा, और दोस्तों को भी बताया मैंने ये वीडियो की मशीन अपने यहाँ आनी है, मतलब आनी है, और इसके लिए मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, मशीन देखूंगा। और मुझे जो सेटिस्फेक्शन आपने जो आइसक्रीम खिलाई मुझे अभी, इतना ज्यादा हुआ कि देखकर नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा हुआ। देख के जो सोचा था उससे भी आपको एडवांस लगा, उससे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और क्वालिटी आइसक्रीम टेस्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस, आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये मशीन की पहले हमने बहुत सारी वीडियोस डाली है हमारे यूट्यूब में, हमने आपको बताया कैसी मशीन है, कैसा ऑपरेटिंग है। और हमारे यूट्यूब की वीडियोस देख के हमारे यहाँ कस्टमर विजिट के लिए आते हैं, गुजरात भावनगर में फैक्ट्री है तो यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज 2 फरवरी है, हमारे यहाँ कस्टमर आए हैं बुरहानपुर MP से, जो ये मशीन को देखने के लिए और मशीन को बुकिंग कराने के लिए आए हैं। दोस्तों, तो हमें वीडियो इसके लिए स्पेशली बना रहे हैं, तो थोड़ा सर से हम पूछेंगे। हेलो सर जी। सर, क्या नाम है आपका? विशाल पाटिल। विशाल पाटिल जी, और सर कहाँ से आप? मैं बुरहानपुर से हूँ, MP से, बुरहानपुर MP से। और सर, आपने ये हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? सर, ये मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे। तो सर, एक्चुअल में हम जो वीडियो में हमने बताया था कि हमारी मशीन की ये खासियत है, ऐसी चीज है, ये एडवांस फंक्शन मशीन है, हमारा काम ऐसा है, तो आप यहाँ पे जब आए फैक्ट्री पे तो ओरिजिनल लगा काम आपको हमारा? सबसे पहली बात तो जब मैंने वीडियो पहली बार देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं वीडियो कम से कम 25 से 30 बार वीडियो, 40 बार वीडियो अभी तक देख चुका हूँ ये 15 दिन में। अच्छा, एक ही वीडियो 40 बार, एक ही बार वीडियो बार बार रिपीट कर दो उसको। और मेरे पापा को भी बताया, जैसे मैंने उनके, हमारे घर में मेन हेड पापा है, अच्छा, अब उनके सामने प्रोजेक्ट रखना था तो उनके सामने रखा, उनको भी जमी ये बात। अच्छा, और दोस्तों को भी बताया मैंने ये वीडियो की मशीन अपने यहाँ आनी है, मतलब आनी है, और इसके लिए मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, मशीन देखूंगा। अच्छा, और मुझे जो सेटिस्फेक्शन आपने जो आइसक्रीम खिलाई मुझे अभी, अच्छा, इतना ज्यादा हुआ कि देखकर नहीं हुआ था, अच्छा, उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा हुआ। देख के जो सोचा था उससे भी आपको एडवांस लगा, उससे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और क्वालिटी आइसक्रीम टेस्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन इम्पोर्टेंट सर, ऑलरेडी आप क्या बिजनेस कर रहे हो फिलहाल? मेरा किराना दुकान है, ऑलरेडी किराने का दुकान है, खेती है, खेती और किराने का दुकान है। तो सर का किराने का दुकान और खेती करते हैं सर, तो इनके लिए तो ये बिजनेस न्यू है, न्यू कॉन्सेप्ट है टोटली, आपके लिए तो ये बिजनेस नहीं होगा ना। तो सर का कोई नॉलेज ही नहीं है बिजनेस के अंदर, लेकिन ये मशीन इतनी एडवांस फंक्शन है कि किसी को कोई नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसके अंदर। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए आपको नॉलेज लो, उसके लिए आपको कोई क्लासेस लो, इसका सोचो कैसे बनाओ, कोई इसके अंदर सिस्टम नहीं है। कोई भी न्यू बिजनेस करने वाला बंदा ये बिजनेस आसानी से कर सकता है जी, बिल्कुल। अगर अपने वहाँ दुकान में कोई भी वर्किंग बिजनेस में कोई स्पेस है तो ये छोटी सी मशीन लगा के वो खुद का एनिंग कर सकता है। सर, आपको हमने इसमें से मशीन में फ्लेवर बनाया जी, उसमें कितना मिल्क डालना है, कैसे पाउडर डालना है, मशीन के अंदर लगा के मशीन को ऑपरेट करके चलाया, तो एक काम आपको हार्ड लगा या इजी काम लगा सर? बहुत ज्यादा इजी, बहुत इजी लगा, मतलब बच्चों के खेलने जैसा हो गया है। अच्छा, मेरी छोटी बच्ची है 12-13 साल की। अच्छा, मैं तो बोलता हूँ मैं अगर मेरे ऑप्शन में अगर मैं नहीं रहा, अच्छा, तो वो भी ये कर लेंगे, वो भी कर सकते, उतना इजी वर्क है पूरा, इतना इजी है। अच्छा, तो हमारा मकसद यही है कि अभी की जो लेटेस्ट फंक्शन निकालने का रीजन वही रहता है कि कस्टमर को जितना बने उतना इजी काम हो जाए, इतना आसानी से काम कर पाए उसके अंदर, और मशीन पूरी उसके इस हिसाब से ऑटोमेटिक करती रहे। सर, मशीन का जो फंक्शन है ऑटोमेटिक सिस्टम वाला, जो आइसक्रीम बन के ऑटोमेटिक बंद हो जाना और आइसक्रीम में एयर फिल करना, आइसक्रीम जमाना, कैसा फंक्शन लगा सब आपको? बहुत बढ़िया लगा, बिजली की बचत, बिजली की बचत। जैसे कि अभी आइसक्रीम बना हुआ है तो मशीन बंद है, पूरी साइलेंट है, अभी आप मशीन चालू है, बंद है अभी तो साइलेंट, अभी साइलेंट ही, अब आइसक्रीम बन के तैयार है इसलिए साइलेंट पड़ी है। जब इसमें से आप आइसक्रीम निकालेंगे तब वापस मशीन चालू हो जाएगी उसके हिसाब से। और इसका डिजिटल फंक्शन कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका। अच्छा, मुझे एक बात इसमें जानकारी चाहिए थी, जैसे इसको इन्वर्टर पे चला सकते हैं या नहीं? इन्वर्टर पे चला सकते हो, लेकिन उतना आपको इन्वर्टर बैकअप नहीं देगा इसके अंदर से। अगर बैकअप कोई भी आप बड़ा 3-4 बैटरी लेते हो तो 2-3 घंटे तक का बैकअप मिलता है इसके अंदर, तो बेटर है कि आप इसको जनरेटर से चलाओ। जनरेटर 1 किलोवाट का जनरेटर आता है बाजार में, जो 1 लीटर फ्यूल पे आपको 4 घंटे का बैकअप देता है, ओनली 15,000 से 20,000 रुपए तक का वो जनरेटर आता है। तो 2 लीटर पूरे दिन में 100-200 रुपए का आप डीजल या पेट्रोल डालेंगे तो 10 घंटे तक का आपको 8 से 10 घंटे का बैकअप आसानी से मिल जाएगा, और जनरेटर से आप बाकी दूसरी सामान, बाकी सब चीज भी उसमें से चला सकते हैं। अच्छा, ये जैसे अभी अपन ने बना लिया, पूरा तैयार हो गया फोन उसका, आइसक्रीम तैयार हो गया, लेकिन जैसे लाइट चली गई, बराबर है, फिर उसके बाद लाइट चली जाने से मशीन पूरी ऑटोमेटिक, इसलिए आइसक्रीम नहीं निकलेगा। अच्छा, लेकिन इसके अंदर जो कूलिंग बैकअप है, जो मटेरियल अंदर खराब नहीं होने देगा, वो 8 से 10 घंटे तक मटेरियल खराब नहीं होगा इसका। अगर पूरा दिन सुबह 10-11 बजे चालू लाइट बिजली चली गई और
शाम को 8 बजे भी अगर लाइट आई तो आपका जो मटेरियल आपने डाला हुआ है वो खराब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर में मेंटेन करके रखेगा, उसमें जो केमिकल प्रूफ रहता है उसका कूलिंग उड़ने नहीं देता है उतना, उसको ठंडा और चिल्ड रखता है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं मशीन स्टार्ट है, पूरी चालू है और सर को हमने ऑलरेडी इसमें से आइसक्रीम और टेस्ट करा के दिया हुआ है, फिर भी हम सर से बोलेंगे कि आप खुद अपने हाथ से आइसक्रीम निकालिए और टेस्ट कीजिए कैसा क्वालिटी लगा, हमारे व्यूअर्स को बताइए सर अपने हाथ से कौन निकालिए इसमें से। एकदम क्रीमी लग रहा है बिल्कुल। और कौन सा फ्लेवर है सर, कौन सा फ्लेवर? मैंगो का फ्लेवर खा रहे हैं। अच्छा, उसमें जरा भी आइस क्रिस्टल आ रहा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं आ रहा है, आइस क्रिस्टल एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है जी। और आपके शहर में इस टाइप का मिल रहा है आइसक्रीम? अभी अभी नहीं मिल रहा है आपके शहर में, ये न्यू कॉन्सेप्ट होगा जी, पहला रहेगा आपके शहर में। जैसे मेलो वगैरह के अंदर सॉफ्टी की मशीनें आती थी, अच्छा, लेकिन ऐसी किसी ने स्थायी रूप से कहीं लगाई नहीं है ऐसी ऐसी नहीं। और सॉफ्टी तो वैसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टी तो बहुत मॉडल्स आते हैं उसके अंदर अलग अलग, लेकिन जैसा क्वालिटी लेंगे वैसा मशीन भी वैसा क्वालिटी बना के देगा उसके अंदर, सबका क्वालिटी अलग अलग रहती है। बाकी आप लोकल चाइनीज या लोकल प्रोडक्ट लेते तो उसमें क्रिस्टल आएगा, जैसे आदमी खाएगा तो बर्फ का पीस लगता, ऐसा बरस का क्रिस्टल आ रहा है इसके अंदर? नहीं बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं आ रहा है क्रिस्टल। अच्छा, तो आप देख सकते हैं हमारी 2022 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है, हमने सर को डेमो भी दिखाई है, कंप्लीट सब दिखा दिया, कौन सा कंप्रेसर है, क्या मशीन में है, क्या खासियत है, सब डिटेल बता दिया। और सर आप इसमें प्लानिंग क्या करेंगे मशीन का? प्लानिंग जैसे मैं एक तो शॉप पे कप में निकाल के फ्रीजर में स्टोर करने का, ये फ्रीजर में स्टोर भी होलसेल का भी काम करेंगे, उस पैकेजिंग का भी काम करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मशीन की कैपेसिटी हाई है, 1 घंटे के अंदर 100 कौन तक भी आप निकाल सकते हो उसमें से, इसलिए आप वो काम कर सकते हैं इसके अंदर से। उसके बाद में फिर एक मतलब हमारे एक साले का मॉल है, अच्छा, उसके यहाँ भी भेजूंगा माल, यहाँ से पैकिंग करके माल भेजेंगे वहाँ पे, और रिटेल काउंटर भी चलाएंगे, रिटेल भी चलाऊंगा, शादी ब्याह के अंदर हो सकता है कि अभी थोड़े ही दिनों में मैं आपसे सेकंड मशीन लेके जाऊँगा। अच्छा बराबर है, जरूर जरूर ले जाए सर, हमारा तो है कि आप जितना ग्रो अप करें उतना बेटर है, इसलिए हमने सर को सजेस्ट भी किया आप सिंगल से चालू कीजिए, दूसरा भी हमने मॉडल से बताया, 3 फ्लेवर का ये बड़ा मॉडल भी बताया, कि स्टार्टअप एक बार एंट्री कीजिए बिजनेस करके, स्टेप बाय स्टेप बड़ा मशीन उससे प्लस मशीन बढ़ाते रहिए उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए हमको बहुत अच्छा लगा सर, फैक्ट्री विजिट की है। दोस्तों अगर आप भी हमारी फैक्ट्री पे आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो गुजरात में भावनगर करके सिटी है, वहाँ पे हमारा फैक्ट्री है, अहमदाबाद से 160 किलोमीटर दूरी पे है, तो अगर आपको भी आना है तो हमारी फैक्ट्री पे विजिट कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इस तरह की मशीन की ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी डॉल्फिन अप्लायंस की कंपनी का दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।